अंधकार के घोर निशा में ज्योति किरण बनकर हम छाए, शक्ति निगम बनकर हम आए। शक्ति ही शत्रुंजय है, जन जन के हित मंगलमय है। ताप शक्ति ही शत्रुंजय है, जन जन के हित मंगलमय है। परम पिता से यही विनय है, परम पिता से यही विनय है। जन जन जीवन सुखी बनाए, जन जन जीवन सुखी बनाए। प्रांत में नगर नगर में, गांव गांव में डगर डगर में, मानव माता के घर घर में नित अभिनव प्रकाश पहुँचाए, नित अभिनव प्रकाश पहुँचाए। महाशक्ति की पावन धारा कर दे सिंचित देश हमारा, महाशक्ति की पावन धारा कर दे सिंचित देश हमारा। सदा यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। किरण किरण से पुंज बनाए, किरण से पुंज बनाए, किरण किरण से पुंज बनाए। सात नवंबर 1975, एनटीपीसी आने से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था कविता। पठारी जमीन, अरहर की थोड़ी बहुत खेती। तुम तो 5 साल बाद आई थी। जंगल तो रहे होंगे। हाँ थे, उजड़े से, मगर कोयले की खदानें थी, सोन नदी का पानी था। प्रकृति को शायद मालूम था कि इस अंधेरी वियावान और पिछड़े इलाके को एक दिन दूर दूर तक रोशनी फैलाना है। 1975 में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे मालूम नहीं था कि ये वीरान सुनसान जगह मेरी जिंदगी से ऐसे जुड़ जाएगी कि मैं इसे मिस भी करूंगा। पाठक जी आज रिटायर हो रहे हैं, यह कहना भी मुझे गवारा नहीं हो रहा है। वो लंबे समय तक हमारे साथ रहे और आज जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो जनरल मैनेजर हैं। हमेशा लगा वो हमारे दोस्त हैं और बड़े भाई हैं। अब मैं आपके और इनके बीच ज्यादा नहीं रहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विदाई के इस मौके पर दो शब्द कहें। श्री पाठक साहब, दोस्तों, मैं आज ऐसे मुकाम पर खड़ा हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं। शुरू से ही शुरू कीजिए सर। यस यस, जब मैं ज्वाइन करने आया था तो मेरे साथ लियाकत साहब भी थे। हाँ।
वाले आगत भैया, आपको भी मालूम था बीना से आगे जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी? मालूम तो था जनाब, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी मुझे। दादा, कोटा सिंगरौली जाना है, क्या करें? लो कोटा सिंगरौली जाना है। अब इतनी देर कहाँ मिली, सबली लारी तो निकल गई, अब है ही रात के विश्राम करा, हम फिर महुआ के मौसम है, रीछो पगलान है, कौनो जो रीछ पकड़ ली तो है पहुंच गया सिंगरौली। जाई थे राम राम। अजीब जगह है यार ये। पाठक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, सासाराम के पास गांव है। और आप? बरेली। ज्वाइन करने से पहले ही ये हाल है। लगता है जो गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है। अरे भैया रोकना, रोकना भैया, अरे ट्रक वाले भैया, अरे ट्रक वाले भैया रोकना, 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 अरे चलो भैया, अरे रोकना भैया, अरे रोकना, 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 भाई ऑफिस ज्वाइन करना है, भैया ऑफिस ज्वाइन करना है, ऑफिस अभी शाम को, आज शाम को ही ज्वाइन करना है। दो दो रुपया लगेगा? अब जो भी लगेगा आप दिखा दो हमको, चलवा दो, चलवा दो, चलो। अच्छा चलो बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून सर। आइए आइए कमलेश पाठक, लियाकत अली, बैठिए बैठिए। आप लोग चूने के अखाड़े में दंगल लंगे लड़के आ रहे हैं क्या? जी वो चूने का ट्रक था इसीलिए। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं तो पैदल चल के आया था, मेरे पैर तो घुटने तक कीचड़ से सने हुए थे। वेलकम वेलकम, मैं श्रीनिवास पिल्ले। हेलो हेलो। जमीन का सर्वे हुआ और हम तपती धूप, ककरीली और पठारी जमीन पर खड़े थे। करेक्ट मेजर हो रहा है। अरे आप लोग पीछे रहो भाई, चलो सब पीछे खड़े जाओ। राय भी कहा होत भाई, यहाँ आपके गांव में बिजली का कारखाना लगाया जा रहा है, कहा बिजली बत्ती चाहिए कि नहीं? बिजली तो बड़ा काम की चीज, बस आप चाहते बा। लेकिन उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन साहब हम तो सुन ली कि जमीन जगह घर गृहस्थी कुल सरकार हड़प ले। नहीं देखो, जिसका जो भी लिया जाएगा उसे मुआवजा दिया जाएगा, घर के बदले घर और जमीन के बदले पैसा, और कुछ योग्य लोगों को नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन साहब देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये कारखाना तुम लोगों की जिंदगी को संवारने के लिए बनाया जा रहा है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा बबुआ? जी है हरियार, हम हरामलाल। क्या हो हरिया, कारखाना में नौकरी चाहिए? हाँ चाहे, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। स्कूल नहीं बा। अच्छा स्कूल होगा तो पढ़ोगे? हाँ पढ़ो, ये पढ़ी तो मास्टर जी का डंडा खाई और हम मजे से भैंस चराई। हाँ भैंस चराई, हम वो भैंस चराएल, लेकिन हम पढ़ाई भी किहिन। अरे पाठक जी कहाँ उलझ गए हैं आप? अरे इधर आइए, फोटो खिंचवाइए जनाब। चलिए चलिए आइए। अरे प्रसाद जी, मुन्ना आइए आइए। सन 78 में मेन प्लांट का काम जोरों से शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले यहां रहने खाने की ऐसी तकलीफें कि मैंने और लियाकत ने फैसला किया। अच्छी खासी नौकरी थी मेरी, उसे छोड़कर न जाने यहां क्यों चलाया। या लियाकत मियां, आपको कोई फ्यूचर दिखता है? बेताब जी को देखा, दिल को कबाब देखा, जीते रहे थे क्यों हम जो ये अजाब देखा। रास्ते में जो वो खुली जेल पड़ती है ना,
उसका एक्सटेंशन है ये जगह, और वो अपने मैनेजर साहब कह रहे थे कि ये जन्नत है। हाँ, निकले हैं दम निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नम में पाठक जी। आपको रहना तो शौक से यहाँ पर रहिए, मैं तो सोच रहा हूँ कल परसों में यहाँ से निकल लूँ। लियाकत मियाँ, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, कल परसों में मलेरिया हो जाएगा, फिर भागेगा कब? तो चलिए कोटा सिंगरौली तुझे सलाम। संभल के चलिएगा, आपके हाथ में टॉर्च है। ओ देखिए देखिए, मरीज बहुत हैं। हाँ, देखिए संभल के। आई आई, अरे अरे अरे, आँख में टॉर्च मत चमका, ये बात है। अरे तो रास्ता ही खत्म हो गया, जरा उधर टॉर्च चमकाइए। तो हाँ चलिए इसी तरफ चलते। अरे वहाँ कहाँ चलिए, वहाँ से तो आप आए हैं। दिल तड़पे है, जान खपे है, हाल जिगर का क्या होगा पाठक जी, मजनू मजनू लोग कहे मजनू का हमसा होगा। मियाँ ये शायरी का वक्त नहीं है, निकलने की सोचिए। मेरे ख्याल से अब तो एक ही रास्ता रह गया है, साउथ ईस्ट। अरे अंबिकापुर सरगुजा का ही तो पहुंचेंगे। आइए। हाँ तो ये मिल गया रास्ता। अरे कहाँ जाएगा हुजूर, ये रास्ता तो बंद हो गया। ये तो भूल भुलैया है। चलो कहाँ है, निकले तो साउथ ईस्ट ही थे। पाठक जी ये तो अपने ही टेंट है ना, है? रात भर भटकने के बाद हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। हमने सोचा ये जगह हमारे लिए ही बनी है, अगर ये हमें नहीं छोड़ना चाहती तो हम भी इसे नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे वो खुली जेल हो या काला पानी। और जब कोटा बस्ती नया नया बना था तो पाठक साहब, या पिल्ले साहब, हम आपके घर ही आया करते थे भाभी जी को तंग करने। भाभी जी किसी दिन कदम की चटनी बना के खिलाइए ना, खुदा कसम बहुत दिन हो गए खाए हुए। लियाकत भाई क्यों परेशान करते हैं आप भाभी को, एक तो हम यहाँ खाना खाते हैं, बनाते बनाते परेशान हो जाती होंगी आप। पाठक जी आप क्यों परेशान होते हैं, यहाँ कदम के बहुत से पेड़ हैं, मैं खुद तोड़ लाऊंगा। अगर इनकी परेशानी की इतनी चिंता है तो फिर आप लोग क्यों नहीं शादी कर लेते। बताइए पाठक जी आप कब कर रहे हैं शादी? पिल्ले साहब शादी के मामले में मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की। अच्छा क्या, कैसी प्रतिज्ञा भाई साहब? भाभी जी जब तक फर्स्ट यूनिट सिंक्रोनाइज नहीं हो जाती और नॉर्दर्न ग्रिड को बिजली नहीं पहुंच जाती तब तक शादी तो क्या, मैं लड़कियों की तस्वीरें भी नहीं देखूंगा। अजीब धुन है आप लोगों की। धुन नहीं ये तो धुंधुना है भाभी जी। वाकई अजीब धुन थी, न दिन का पता था न रात का, बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द बिजली बने। लेकिन रास्ते में कई तरह के रोड़े। एक दिन मैं चेयरमैन साहब से मिलने पहुंचा, बहुत परेशान लग रहे थे, कहने लगे कि फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि हम पेड़ नहीं काट सकते। मैंने कहा सर पेड़ काटना पाप है मैं मानता हूं, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि यदि हम एक पेड़ काटेंगे तो उसके बदले में 5 नहीं 10 नहीं 50 पेड़ लगाएंगे, और सिर्फ उन्हें लगाएंगे नहीं बड़ा भी करके दिखाएंगे। एनटीपीसी ने आज जो ऊंचाई पाई है उसकी वजह यही है कि हमने पेड़ों की तरह प्रतिभाओं को भी विकसित किया है, प्रतिभा जो देश का निर्माण करती है। हमारी दृष्टि हमारा विजन साफ था कि विश्व की सबसे बड़ी और बेहतरीन विद्युत सेवाओं में से एक होना और भारत के विकास को शक्ति प्रदान करना, बस यही मंत्र है जिसने हमने पकड़ कर रखा है। दोस्तों 25 साल की छोटी सी उम्र में आज एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 2 सबसे एफिशिएंट थर्मल पावर जनरेटिंग कंपनीज में से एक है। मैं तो कहूंगा अभी तो मैं जवान हूं, आगे आगे देखिए होता है क्या।
इतिहास बहुत पुराना नहीं है हमारा। 7वें दशक में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, देश में बिजली की कमी महसूस की जाने लगी। सब सोच में थे क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं। सन 1975 में एनटीपीसी का जन्म हुआ। हमने कहा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारा देश ताजमहल बना सकता है, अजंता एलोरा बना सकता है, तो बिजली भी बना सकता है। हम जल्द ही बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर दिखाएंगे, हमारे देश के गौरव प्राइड ऑफ नेशन को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई देंगे। एक बड़ा वादा था और दोस्तों मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपना वादा पूरा कर दिखाया। आज देश के शरीर में अपनी 20 शाखाओं के जरिए एनटीपीसी बिजली रूपी रक्त का संचार कर रही है। आज हम देश की कुल बिजली का 20% पैदा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बिजली की 25% मांग को पूरा कर रहे हैं। आज सभी ये कह रहे हैं, क्या जनता क्या नेता, कि हम किसी से कम नहीं, हम हीरो नंबर वन हैं। साहब उस दिन का बताइए जिस दिन पहली बार नॉर्दर्न ग्रिड को सप्लाई शुरू हुई थी। पिल्ले साहब मेरी जिंदगी में 2-4 दिन ही बहुत सुंदर हैं, उनमें से एक है 13 फरवरी 1982। पिल्ले। यस सर। एवरीथिंग ऑन इट? यस सर। हेलो, हाँ यादव भाई बताइए वहाँ सब कैसा है? गुड, तो आप फौरन ही आ जाइए। मैं अभी चीफ भिजवाता हूँ। अच्छा ड्राइवर आया कि नहीं? नहीं सर, वो तो बनारस गया बुके वगैरह लेने। उसे भी अभी जाना था, पता है लियाकत का यहाँ होना कितना जरूरी है। सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? सर मिनिस्टर साहब 12 बजे आने वाले हैं और अभी सिर्फ 9 बजे हैं। 12 बजे में ज्यादा वक्त नहीं लगता है पिल्ले। सर मॉक ऑपरेशन शुरू करें? हाँ हाँ शुरू करो। चलिए सर। एक मिनट यार, लियाकत में तो अच्छा मैं अभी आता हूँ। अवधेश आज पाठक साहब कितने टेंशन में हैं? सर बहुत ज्यादा, रात को मेरे पास आ गए, कहने लगे अवधेश कल मिनिस्टर साहब आएंगे, यूनिट सिंक्रोनाइज होनी है, नॉर्दर्न रीजन को बिजली पहुंचनी है, कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़ी हो जाए। मैंने कहा सर जाकर सोइए, कुछ गड़बड़ी नहीं होने वाली है। सोए कहाँ, मेरे पास चले आए, कहने लगे लास्ट मोमेंट में कोई ट्रबल तो नहीं होगा। बहुत टेंशन में। आप आ गए सर। हाँ। जी पहुंच गई थी कि पैदल आए? अरे पैदल क्या यार अविदेश, अपने पाठक जी तो बड़े अजीब आदमी है, कमाल के आदमी। मैंने कहा कि आने का कोई इंतजाम नहीं है तो खुद जीप लेकर आ गए। शर्म आ रही है अपने आप पर यार। अवधेश तुम्हारी तरफ ठीक चल रहा ना सब? यस सर बिल्कुल ठीक है। लियाकत भाई एक बार मॉक ऑपरेशन शुरू करते हैं। यस सर। आइसोलेटर लगाया ना? यस सर। सिंक्रोनोस्कोप ऑन कर। तुम लेवल चेक करते रहना। यस सर। चलिए मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने मशीन को ग्रिड से जोड़ा और फिर यूपी राजस्थान पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हमारी बिजली पहुंच गई। फिर तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम सब ने मिलकर के कुछ मिक्सचर डांस सा किया। सच सब बच्चे से हो गए थे। अब तो आपका यूनिट चालू हो गया ना, अब तो शादी कर ही लीजिए, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, एक साथ ही मिल जाएगा ना इस जंगल में। करना तो मैं भी चाहता हूँ भाभी जी, लेकिन लड़की वाले कहते हैं कि तनख्वाह जो है सो तो ठीक है, लेकिन ऊपर की कमाई है कि नहीं। मैं उनसे कहता हूँ एनटीपीसी में ऊपर की कमाई का कल्चर नहीं है, तो वो कहते हैं भाई वाह
एक तो जंगल, ऊपर से ऊपर की कमाई भी नहीं। क्षमा कीजिएगा, हम आपको अपनी लड़की नहीं दे सकते। अच्छा, मेरी एक सहेली है, उसके पिता कॉलेज के प्रोफेसर हैं और लड़की का नाम है कविता। अब आप कवि और वो कविता, कहिए तो बात चलाऊं? ये नहीं कहेंगे, इनका दिमाग तो हमेशा नई यूनिटों को चालू करने में लगा रहता है। तुम कल ही चिट्ठी लिखो मीनाक्षी। ठीक। कविता, कविता मैं प्लांट जा रहा हूं। अरे अरे, आपने नाश्ता भी नहीं किया और टिफिन भी भूले जा रहे हो। सॉरी, आलू के पराठे बनाए मैंने। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। राम राम सर। हाँ यादव जी, आप इतनी देर से दूर क्यों आते हो? हम तो साहब अपना टाइम से आते हैं, आप ही जल्दी निकल जाते हैं। वो साहब, वो गेट पे हमारा मोती खड़ा है बेटा, देख लीजिएगा। इसलिए खड़े हैं यहाँ पर, जाइए यहाँ से। वो एक साहब से मिलना है तो मैं बाहर खड़े हूँ, कहिए तो इधर खड़े हो। कोई साहब नहीं आया, आप लोग जाइए यहाँ। नहीं साहब, वो आने वाले, उन्होंने कहा कि यहीं गेट पे मिलना हमको। नहीं नहीं, गेट पे नहीं है, साहब नहीं आया, आप साहब के साथ ही आइएगा। नहीं वो आ गए साहब, रुकिए रुकिए। अरे अरे अरे, कौन हो तुम? हमारे बाप ने कहा होगा साहब आपसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, तो हमारा नाम मोती है। दूध वाले के लड़के हो? जी सर। पहले अपने यहाँ कोई काम हो सकता है क्या इसके लिए? सर हमें तो प्रोफेशनल चाहिए, इसके लिए क्या काम होगा? अरे नहीं साहब, हमको नौकरी वोकरी नहीं चाहिए। वो कह रहे कि हमने एक चाय की दुकान खोला है, तो एक कप चाय पियो, चल के हमारी चाय का उद्घाटन कर दीजिए। भैया आज हमारे चेयरमैन साहब आने वाले हैं। अरे तो उनको भी ले चलिए साहब। अरे आज नहीं, फिर कभी। अरे नहीं साहब, ले चलिए। बताइए ना सर, एग्जैक्टली क्या हुआ? हम लोग चेयरमैन साहब को टरबाइन दिखाने ले गए, वहाँ मंडल बिहारी काम कर रहा था। साहब ने पूछा सब ठीक चल रहा है ना, हमें बड़ा टारगेट हासिल करना है। तो मंडल बिहारी मुंहफट बोला, कहा टारगेट हासिल करिएगा साहब, यहाँ टॉयलेट बतक तो ठीक है नहीं। हमें लगा कि सीएमडी नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो बोले ही इज राइट, प्रपोजल बनाइए। अच्छे काम करने का नियम है, हर चीज दुरुस्त हो, टॉयलेट से टरबाइन तक। लीजिए, टॉयलेट बनाने का प्रपोजल भी हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। ये अवधेश जी, कैसा लग रहा है? आप तो नए आए हैं ना? जी सर। खबरदार, भागने की कोशिश मत कीजिएगा। इनकी तरह नहीं सर, नहीं नहीं सर, बाकी तो सब ठीक चल रहा है, पर खाने का कुछ इंतजाम नहीं हो पा रहा। भाई जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता, आप हमारे यहाँ के खाना खाइए, यहाँ की तो यही परंपरा है, क्यों पिल्ले साहब? बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आप लोग फिक्र काहे करते हैं, हम देसी घी का छौंक लगा के बढ़िया से दाल चावल खिलाएंगे। आप लोग इतना काम करते हैं, देखिए दो महीना में पहलवान। कविता, कविता मैं प्लांट जा रहा हूँ। अरे वाह, तुम तो एकदम तैयार हो। और क्या, आज संडे भूल गए, हेलीपैड पर जाने का प्रोग्राम आप ही ने तय किया था। क्या बताऊँ, टरबाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। चलो मैं तुमको पिक्चर दिखा के लाता हूँ। पिक्चर? और यहाँ? अरे अपने लियाकत मियाँ बनारस से फिल्म लेकर आए हैं। अरे अरे अच्छा, कौन सी फिल्म है? लव स्टोरी है। आप भी हो गया? हाँ तो मेहरबानो, कदरदानो, इलेक्ट्रिसिटी की संतानो, आज जो फिल्म हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस फिल्म का नाम है मंथन। इस फिल्म के कलाकार हैं गिरीश कर्नाड, स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह। अब मैं आपको फिल्म की कहानी बताता हूँ। प्लीज प्लीज लियाकत मियां, कहानी मत सुनाइएगा, हम खुद ही देख लेंगे। जी थोड़ा बहुत सुन लीजिए। पिक्चर, 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 मगर मक्खियां बहुत हो गई, दूर में तो नहीं गिरी ना। आइए तस्वीर लाइए। मिश्रा जी का बारिश हो या तपती धूप, वो दिन थे कमाल के। और साहब वो याद है आपको टावर गिन का गिनना? हाँ, क्या पवंडर था वो। एनटीपीसी के लोग शहीद हो गए थे दोस्तों, मैं उन्हें शहीद ही कहूंगा,
क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए हमारे कर्मचारियों का खून पसीना जान तन मन प्राण सब कुछ लगा है। कमाल का आदमी था लियाकत भी, कहता था हम बिजली पुत्र हैं, मरेंगे तो आसमान में सितारा बनकर टंग जाएंगे, उस सितारे को मेरा सलाम। सर आपको याद है जब स्कूल बस फंस गई थी पानी के बीच? हाँ, टावर क्रेन गिरने से कुछ दिन पहले की बात है, उस दिन भी लियाकत ने बहुत हिम्मत दिखाई थी। हाँ, और आपने मुझे कोवर्ड कहा था। नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं कहा होगा। कहा था सर, आपने कहा था। कहा था। हाँ। क्या दिन थे वो भी, यदि हम किसी फिल्म वाले को बताएं तो वो उस पर अच्छा खासा थ्रिलर बना देगा। लेकिन साहब वो लोग यहाँ शूटिंग कैसे करेंगे? आज तो यहाँ पे स्कूल पार्क मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब कुछ है, उन दिनों तो हॉस्पिटल भी नहीं था और ऊपर से मलेरिया हो जाता था। याद है आपको 77 में पूरी कोटा बस्ती कैसे कपकपा रही थी? हम लोग क्विनेन बांटा करते थे, उस वक्त भी लियाकत मेरे साथ था। आई कैन बिलीव इट मिस्टर पाठक, हमारा एक वर्कर मलेरिया से मर गया। अब हम क्या कर सकते हैं सर? नहीं नहीं मिस्टर पाठक, ये बात यूं ही छोड़ देने की नहीं है। सबसे पहले तो मजुमदार की वीडियो को मुआवजा दिलवाइए, देखिए वो किस डिपार्टमेंट में क्या जॉब कर सकती है, उन्हें बिल्कुल ना लगे कि वो इस दुख में अकेली है। और दूसरी बात, फॉरन वर्किंग कंडीशंस ठीक होनी चाहिए, कर्मचारियों के रहने का इंतजाम अच्छा हो, मनोरंजन के साधन हो, उपासन स्थल हो, लेकिन सबसे पहले हॉस्पिटल बने जल्द से जल्द। लेकिन सर कोई डॉक्टर सिंगरौली जाने को तैयार होगा? मेरे एक दोस्त है डॉक्टर शाह, उनसे कहूंगा कि वहां जाकर काम करें, शायद जाने को तैयार हो जाएं। क्या हुआ शाह साहब? अरे सर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। हाँ जरूर डॉक्टर शाह। जैसे आपने बताया था उन दिनों सांप और बिच्छू बहुत थे यहाँ पे, तो बिच्छू के काटने से गांव में बहुत लोगों की मौत भी हो जाती थी। एक हमारे सुपरवाइजर थे, अरे क्या नाम था उनका? द्वारका? अरे नहीं भाई, ठिकने से थे ना एक त्रिवेणी प्रसाद। अरे नहीं नहीं यार, गजानन। हाँ गजानन बाबू। अरे भैया बहुत डरपोक आदमी थे वो, एक दिन और सांप से भी खासकर बहुत डरते थे वो। एक दिन हमारे पास आए, बोले डॉक्टर साहब रोज रात को मेरे घर में एक सांप आता है और मुझे उससे बहुत डर लगता है, कोई इलाज बताइए इस चीज का। तो हमने भी उनको कहा भैया एक नेवला खरीद लो तुम। तो उन्होंने सचमुच में एक नेवला खरीद लिया। दो चार दिन बाद फिर आए मेरे पास, बोले साहब नेवला तो भाग गया और सांप फिर आने लगा मेरे घर, अब मैं क्या करूं? तो भैया मैंने कहा अब तुम बस एक ही काम कर सकते हो, अब एक बीन खरीद लाओ तुम, जब भी सांप दिखाई पड़े उसके सामने बजाने लगना बीन। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। सर प्लीज कंटिन्यू। उधर हमारे साथी कोरबा और रामगुंडम प्लांट को पूरा करने में लगे थे और इधर हमने विंध्याचल प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया और आज 2260 मेगावाट के साथ वो एनटीपीसी का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। लेकिन
सबसे चुनौतीपूर्ण था रिहंद प्रोजेक्ट। सन 1983 में उसे पूरा करने के लिए मेरा ट्रांसफर रिहंद कर दिया गया। एक और अभियान, संघर्ष का दूसरा अध्याय, रिहंद प्रोजेक्ट। वैसी ही बंजर जमीन, वही मुश्किलें, लेकिन सिंगरौली की मुश्किलों का अनुभव हमारे साथ था। आने जाने के लिए जो सड़क थी, उससे शक्ति नगर से रिहंद तक पहुंचने में नानी याद आ जाया करती थी। फिर हमने मोटर बोट से जाने का निर्णय लिया, लेकिन मोटर बोट चलाएगा कौन? गांव के केवट तो केवल नाव चला सकते हैं, और उन्हें सिखाने के लिए वक्त चाहिए था। फिर हमारे इंजीनियर मित्र मिस्टर अवधेश, कहाँ है वो? यस सर, आई एम हियर। हाँ, इन्होंने मोटरबोट चलाने की जिम्मेदारी ले ली। और सर आपको ध्यान होगा, होली के समय आंधी की वजह से हमारे सारे टेंट उड़ गए थे। आप लोग घंटे भर तक टेंट के नीचे दबे रहे थे। कितनी आंधियां, कितने तूफान गिनाओगे अवधेश? उन्हीं से लड़ते और जूझते हुए हमने रिहंद प्लांट खड़ा किया। जैसा रिहंद अभी हाल ही में मैं वहां एक पुष्प प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए गया था। सच, वहां से लौटने की इच्छा नहीं हुई। जमीन पर औद्योगिक विकास के दबाव को प्राकृतिक विकास से ही संतुलित किया जा सकता है। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऐश जैसे प्रदूषणकारी तत्व छोड़ते हैं। इन सब से समाज को बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। हमने ऐश का क्रिएटिव यूज किया है। दादरी में हमने ऐश से एक पहाड़ बनाया है जो अब एक घने बागीचे में बदल रहा है। ऐश से हम ईंट बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से पकने वाली ईंटें काफी मजबूत और सस्ती होती हैं, और इससे लोकल लोगों को रोजगार भी मिलता है। एनटीपीसी ने प्रदूषण रोकने के लिए 1 करोड़ से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। और देखिए रामागुंडम प्लांट, यहां हमारे वृक्षारोपण का यह नतीजा रहा कि इस इलाके का तापमान कम हो गया है। आज आप एनटीपीसी के जिस भी प्लांट में जाएं, स्वर्ग के नंदन वन जैसा आनंद मिलता है। पर्वत सिर्फ पर्वत नहीं, पिता है। धरती सिर्फ धरती नहीं, माता है। समझना है हमें कि नदियों में सिर्फ जल नहीं, माता पिता का स्नेह भी बहता है। कोरबा, रामगुंडम, फरक्का, तालचर, ऊंचाहार, कायमकुलम, एनटीपीसी के कई प्लांट्स में मैं रहा हूं। भौगोलिक दृष्टि से हर जगह अलग थी, लेकिन सभी जगह लगन और काम करने की भावना एक जैसी। अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोग, विभिन्न बोलियां, विभिन्न संस्कृति, लेकिन एनटीपीसी से जुड़कर सब एकाकार हो जाते हैं। एनटीपीसी इसलिए एक अनोखी संस्था है क्योंकि उसके कर्मचारी महसूस करते हैं कि एक बड़े काम में उनकी अनिवार्य जरूरत है। आज हम 19,435 मेगावाट बिजली अकेले पैदा कर रहे हैं। कई प्लांट्स हमें बीमार हालत में भी मिले, जैसे ऊंचाहार, तालचर, टांडा, मगर आज उनकी सेहत दुरुस्त है क्योंकि हम अपना पूरा ध्यान उनके रखरखाव, मेंटेनेंस में लगाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने हमेशा हमारी पीठ थपथपाई है। 1985 में उन्होंने कहा, यू आर ऑन टाइम, यू आर विद इन बजट एंड यू आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। दीज आर ऑल फिनोमेना एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द वर्ल्ड बैंक लाइक्स टू बी एसोसिएटेड विद। 1998 में उन्होंने कहा, एनटीपीसी हैज ग्रोन इनटू ए हाईली एफिशिएंट पावर कंपनी। और 2000 में कहते हैं, एनटीपीसी इज अ मैच्योर यूटिलिटी।
NTPC has grown and developed into a power producer of international repute and a potential force for change in India. Aaj hamara turnover 16479 crore rupaye hai. NTPC sabse sasti bijli paida karne wali sanstha hai. Hamare lakshy aaj bhi oonche hain. Hamne sun 2012 tak 40,000 megawatt se bhi zyada bijli paida karne ka sankalp liya hai. Hame tab behad santosh hota hai jab hum apne fayde ko rashtra ke nirman mein lagta hua dekhte hain. Hamara lakshy hai ki har gaon mein 24 ghante bijli ho. Kal karkhane chalein. हर दिल का अंधेरा दूर हो. लेकिन दिल का अंधेरा दूर करने के लिए बिल का पटाया जाना बहुत जरूरी है. हजारों का बाकी है, लाखों का बिल लेना है, करोड़ों का बिल पटाया जाना है. दोस्तों, ऐसी खबरें ना आए ये हम सबको ध्यान रखना है, मंत्री जी को भी और संतरी जी को भी. एनटीपीसी की उपलब्धियां बहुत हैं. हमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं. हमारे कर्मचारियों को श्रम वीर और श्रम भूषण ही नहीं, हमारे टेक्नीशियन दिलीप कृष्णन को श्रम रत्न जैसा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है. और सन 2000 में कोरबा में काम कर रहे हमारे साथी आरपी नायर को भी श्रम रत्न से नवाजा गया है. आज मौका है कि हम सब उनके लिए. दोस्तों, एक और सवाल है जिस पर मैं आज कुछ कहना चाहता हूं. पुनर्वास की पीड़ा कोई कम नहीं होती, खासकर खेतीहर समाज के लोगों के लिए जिनका अपनी जमीन से पुरखों का नाता होता है, जो अपनी जमीन को और पुराने घर को कभी भुला नहीं पाते. वो हमेशा उनकी यादों में बसता है एक नॉस्टैल्जिया. राम राम सरपंच साहब. राम राम. राम राम. ये कौने बात की सजावट होत बम होती? अरे पाठक साहब का पिताई हो रहा ना, ट्रेनिंग हॉल में भाषण चल रहा है. भाषण हुआ चलत में तो सजावट हिया कर रहे ले. अरे तो भाषण हुआ देंगे, उसके बाद सजावट के नीचे आकर बैठ के बढ़िया से चाय नाश्ता करेंगे ना. हाँ हाँ, वह तो करवे करव्या. है तुम्हारी जिंदगी तो सवार गए, हमार का हमार तो जमीनों गई, घर खेत सब डूब में चला गया और नौकरी हो ना ही मिली. अरे भैया, नौकरी तो ट्रेनिंगदार को मिलती है ना. काहे कि सब बिजली करंट का मामला है, गलती से हाथ इधर उधर लग गया तो कुटुंब कबीला सब दो मिनट में गोल. वो तुम्हारा दोस्त रहा ना हरिया, वो थोड़ा सा पढ़ लिख गया रहा, उसको मिल गया ना WC वाटर सर्कुलेटिंग का काम. तुम भी दो चार क्लास पढ़ जाते तुमको मिल जाता वो प्लांट में वाटर ऑपरेटर का. अब तो उसे को बहस करे पाठक जी, उनसे बात कर. अब तो चुप्पा चाय दे. कोई मुआवजा कोई राहत उनके इस दर्द को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें उन गाँव वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने हमें अपनी जमीन दी. ये ठीक है कि हमने उन्हें घर दिए, रोजगार के मौके उपलब्ध कराए, आदिवासियों को काम देकर उनकी मदद की, ग्रामीण औरतों की रचनात्मकता को दिशा दी, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके उपलब्ध हों. ये सही है कि हम सब लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हम इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं जिससे गांव वालों को भी फायदा पहुंचे. बढ़िया से मीठा डाल दिया. अरे पास तो चार ट्रक हो गए, घर हो गए, यही तो पका रहे. अरे भैया, ये तो NTPC से और आप सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है. आप लोगों को भी तो मुआवजा मिला रहा, घर मिला रहा, छोटा मोटा दुकान ही खोल लेते, फूल माला की दुकान खोल लेते, बनारस से फूल और बुके मंगाना पड़ता है, यहाँ आते मुरझा जाता है. अच्छा तहन बता, साहब लोगन जैसे घर हमारे काहे नहीं ना. अरे योग्यता का हिसाब किताब है, गधा और घोड़ा बराबर नहीं हो जाते. तो हमें बेकूफ समझते ससुर के, तो हर खोपड़ी में तुम्हारा दिमाग भर रहा है ना. बैठो 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 भैया. दोस्तों, मैं आज रिटायर जरूर हो रहा हूँ, लेकिन NTPC मेरे दिल से रिटायर नहीं हो सकती. वो मेरा हिस्सा है जो खून बनकर मेरी रगों में दौड़ता है. दोस्तों, हम अपने से ज्यादा NTPC के लिए जीते हैं, देश के गर्व के लिए जीते हैं. मेरा सब कुछ ये प्लांट है. आपसे इतना ही कहूंगा कि अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते जाएं. मैं पेपर पर रिटायर हुआ हूं, दिल से नहीं.
चाय नाश्ते का प्रबंध है। नहीं नहीं देखिए चाय तो आज हम मोती के ढाबे पर पिएंगे। पाठक जी रिटायर हो गए, हमका तो नौकरी नहीं मिली, हमारे और हमारे बच्चन के का हुई? अरे तुम्हारे तीन ही बच्चे हैं, हम तो 14 बच्चे पाले हैं, आज तक किसी के लिए ना नौकरी मांगी ना जगह मांगी। हाँ अब तो वही बताओ, हम बीवी बच्चों को लेकर कारखाने की छाती पे चढ़े रहे हैं तो आप लोग हमको भला बुरा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे वो तो ठीक बा मोती, पर हम तो बार बार बेदखल कहल गयी, हियाँ कारखाना बना तो उठा के हुआ बैठा दिए, अब हुआ बना तो हियाँ बैठा दिए, हमारी जिंदगी तो उठल बैठल में चली गई। अब जवाब दे। अरे वो तो हमारे साथ भी हुआ, पहले हम ज्वालामुखी में था, उसे वहां से उठा के हम यहाँ ले आए, अब यहाँ जगह का जरूरत पड़ेगी तो हम कहीं और चले जाएंगे। हा? अभी कहे नहीं सोचते कि अगर कारखाना बढ़ेगा तो कारोबार भी बढ़ेगा। पहले इसी गांव में 5 में से 3 लोगों के पास सिर्फ साइकिल थी, आज 36 लोग मोटरसाइकिल लेकर घर घर आए, घूम रहे हैं मस्ती में। देखो पाठक जी चलो हुआ तो चलो भैया वहां बैठ। भाई हाँ कैसे हो मोती? बहुत बढ़िया है साहब, आप लोग आशीर्वाद है। और कैसा चल रहा है तुम्हारा ढाबा? बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। आई बैठो बैठो चल यार। यार रामलाल कैसे हो? बैठो आज जाता हुआ साहब। भाई रामलाल कोई हमसे गलती हुई हो तो? अरे नहीं नहीं साहब, आप खुशी खुशी जाओ, हमारा झगड़ा तो भाई लंबा खुशी है। लीजिए ठहरो, चाय बना रहे, लीजिए जल्दी से लीजिए साहब, खाइए प्रेम से खाइए। अरे इतना अब बहुत बढ़िया भाषण दे दिया आपको। आपके ढाबे की दाल बड़ी याद आएगी मोती। अरे तो आने दीजिए ना, जब जब याद आए तो यहाँ आ जाए करिए, आपको उस गाड़ी फुर से पहुँच जाएंगे यहाँ पे। अब सामान की बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, हमने बहुत बढ़िया सा ट्रक में पैक कर दिए हैं। हाँ और देखिए जो पिछले साहब गए थे ना जिनका तबादला हुआ था, उनका हमने सामान पैक किए थे और पहुँचा दिए थे, बाद में उनका थैंक यू की चिट्ठी में लिखे थे वो कि हम एक अंडा भूल गए थे फ्रिज में, वो आज तक नहीं टूटा। देख रहे हो हरिया? अपन झोपड़ी ला साहब, हुआ रही कुछ चीजें सिर्फ यादों में जिंदा रहती हैं हरिया, तुम्हारी झोपड़ी यहां नहीं वहां है। अंधकार की घोर निशा में ज्योति किरण बनकर हम छाए, शक्ति निगम बनकर हम आए, प्रांत प्रांत में नगर नगर में गांव गांव में डगर डगर में भारत माता के घर घर में अभिनव प्रकाश पहुँचाए, अभिनव प्रकाश पहुँचाए, महाशक्ति की पावन धारा कर दे सिंचित देश हमारा, महाशक्ति की पावन धारा कर दे सिंचित देश हमारा, सदा यही संकल्प हमारा, सदा यही संकल्प हमारा, किरण किरण से पुंज बनाए, किरण किरण से पुंज बनाए।